आप लोगों को देखो कई इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ आप लोग टेलीग्राम पे आ जाना इसका कि लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर लिंक वर्क ना करे तो क्रिक टू फाइव एट जीरो इतना लिख करके सर्च करके आ सकते हो तो बाकी सेकंड चैनल है तो ध्यान से आना यहाँ पे आने के बहुत सारे बेनिफिट है आप देखो कल दो मुकाबले खेले गए थे डबल हीडर मुकाबले आज भी खेले जाएंगे कल भी खेले गए थे पे देखो यूआई का यहाँ पे भी क्लीन स्वीप हुआ था जो सेकंड मुकाबला खेला गया था उससे पहले एक और मुकाबला खेला गया था ये तो अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ था और जो सेम टीम से मैं खेलता हूं आप लोगों को भी सेम टीम पे मैं प्रोवाइड कराता हूं देख सकते हो आप लोग अगर यहाँ पे हो तो आप लोग बहुत अच्छी मतलब विनिंग कर करोगे अगर नहीं हो तो बहुत कुछ लॉस में जा सकते हो तो एटी के समथिंग अपनी यहाँ पे विनिंग रेशियो चलती है तो अगर आप लोग चाहो तो आ सकते हो ठीक है बाकी पिंड मैसेज जरूर चेक करना चार नवंबर छह जून का मैसेज होगा और हाँ पहले ट्राई ये करना कि लिंक से आना जो कि वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है अगर लिंक वर्क ना करे तब आप जाके क्रिक टू फाइव एट जीरो इतना लिख करके सही जगह पे आप लोग आना पिन मैसेज को चेक कर लेना चलिए यहां से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता चलू बाईस जनवरी मतलब आज ही के दिन शाम साढ़े बजे आप लोगों को अपने भारत टाइम अनुसार ये मुकाबला देखने को मिल जाएगा जो कि दुबई के ग्राउंड पे खेला जाएगा अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट बताता चलू जनरली होता क्या है तो देखो बैटिंग करने के लिए एक अच्छी खासी सर्फेस मानी जाती है यहाँ पे अच्छा खासा रन बन जाता है दुबई के ग्राउंड पे बता रहा हूँ और जो रिसेंट में नौ एशिया कप के मुकाबले यहाँ पे खेले गए थे ना वहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर एक रन था तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो एक सौ बनने का मतलब ये हुआ कि बैट्समैन कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा खासा करते हुए यहां पे दिख सकते हैं बाकी देखो यार आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीज एक सौ दस लाइक का छोटा सा लाइक हमें प्लीज कर देना लाइक हम कंप्लीट करवाने से ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब मिलता है बाकी सिर्फ यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड करती है आगे वीडियो रिकमेंड करेगी तो ऐसे में चैनल ग्रो होने के चांसेज तो अच्छे खासे रहते हैं बाकी आपको मालूम ही है सेकंड चैनल है तो वीडियो को लाइक करना ज्यादा बेस्ट रहने वाला है तो प्लीज आप लोग एक सौ दस लाइक करवा देना से दोस्तों बात करते हैं जब जब इस ग्राउंड पे मुकाबले होते हैं क्या कुछ होता है तो देखिए एक सौ ग्यारह मुकाबले खेले गए बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने मात्र तैतालीस मुकाबले को वोन किया वहीं चेज करने वाली टीम ने सड़सठ मुकाबले को वोन किया तो सीधा सीधी बात ये समझो ना टॉस तो जीतिए चेज कीजिए और नाइनटी परसेंट चांसेज कि आप मुकाबले जीत लोगे यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला आ रहा है और जैसे कि मैं पिछला मुकाबला दिखा रहा हूं तो देखो यहां पर पहले स्कोर भी देखो वन प्लस बना था जो कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर मैं बता रहा था बाकी

बात करते हैं यहां से देखो एवरेज फर्स्ट इन स्कोर वही जो कि 160-170 में बता रहा आ, बता रहा था सनराइजर्स दो, दो विकेट के नुकसान पे लोस्ट लाहौल से एक सौ सत्तर के बीच में चौतीस बार एक सौ सत्तर से एक सौ नब्बे के बीच में छब्बीस बार बाकी एक से ज्यादा ग्यारह बार स्कोरिंग हुई है ओवरऑल जो कि सबसे ज्यादा बार स्कोरिंग हुई है वो तो हुई है एक से कम एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर बता रहा हूं अब देखो एक सौ यहां अगर सेफ नहीं है तो फिर आप लोगों को कहाँ लगता है कि एक सौ पे बचाया जा सकता है तो जो टीम फर्स्ट बैट करेगी ना मुझको लगता है एक सौ अस्सी उनको बनाना चाहिए तभी डिफेंड हो सकता है अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होने वाला है लेकिन लॉजिक वाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 150 के अंदर ही स्कोर होता है अगर 150 के अंदर होता है फिर तो बचने के कम चांसेस तो ये सब जो कॉन्सेप्ट होता है ना जेल में आप अप्लाई कर सकते हो कि अगर एक से कम बन रहा है तो बॉलर सा भी हो सकते हैं और एक सौ बन रहा है तो फिर आप लोगों को आ, मतलब बैट्समैन हावी हो सकते हैं अगर 150 से कम बन रहा है तो चेज करने वाली टीम आसानी से वोन कर रही है तो आप ऐसे में चेजिंग करने वाली टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन पे आ, फोकस कर सकते हो तो ये सब ग्रांड लीग के लिए लॉजिक रहता है बात करते हैं यहाँ से वी की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग एलेवन रहने वाली विथ रिसेंट यहाँ से स्कोर कार्ड के साथ रोहन मुस्तफ़ा के साथ एलेक्स सेल्स ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे देखो रोहन मुस्तफ़ा का बताता चलो यू के लोकल खिलाड़ी हैं मतलब अभी तक तो कुछ खास नहीं कर पाए पिछले मुकाबले में भी आठ का स्कोर किए हैं बॉलिंग भी नहीं किए थे वहीं एलेक्स सेल्स ये तो समझ ही नहीं आ रहा है मतलब क्या खा आए जब से ये मतलब वापसी किए हैं ना अगस्त सितंबर में इन्होंने वापसी की थी ठीक है पाकिस्तान सीरीज के अगेंस्ट पाकिस्तान में इन्होंने मतलब पहला अपना सीरीज खेला था टी का उसके बाद से मतलब ये इस कदर फॉर्म में है कि इनका फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म ही नहीं जा रहा है बिग बैस लीग में भी अभी बहुत बुरे तरीके से रन बनाकर आ रहे थे फिर यहां पे देखिए बैक टू बैक दो स्टार्टिंग में हाफ सेंचुरी उसके बाद यहां पे शतक लगा दिए तो स्मॉल लीग लीग में में तो ये एकदम डिफॉल्ट पिक है है सोचना ही नहीं है। के लिए एक बात बता रहा हूं। 90 लोग अपने टीम में इनको ट्राई किए होंगे अगर आप लोग चाहो तो जीएल ड्रॉप जरूर करना वैसे भी इनको लेके आप लोग ग्रांड लीग तो जीतने वाले नहीं हो तो ड्रॉप करके एक बार देख लेना ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अपने टीम में ट्राई कर रहे हैं अगर फ्लॉप हो गए तो आप एक जीत भी सकते हो वहीं देखो कॉलिन टीम के कैप्टन है और पिछले मुकाबले में इन ने परफॉर्मेंस भी दिया था अपना छप्पन रन बनाए कप्तानी पारी खेली थी उसके बाद देखो इनके तरफ से बैटिंग थोड़ा सा चेंज हो गया था जो कि जनरली शैम बिलिंग्स वन टू डाउन खेलते थे पिछले मुकाबले में इनको नहीं भेजा गया था भेजा गया था शरफन रदर का 23 का स्कोर ये किए थे और देखो हार्ड इटर बैट्समैन है रदर आप लोगों को मालूम है करेबियन पावर है उनके पास भी बाकी सैम बिलिंग्स का बैटिंग नीचे कर दिया गया था तो बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था टॉम करन आए थे इनसे ऊपर सोलह का स्कोर ये किए थे खैर बॉलिंग से इनको विकेट नहीं मिला था लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं देश में भी बॉलिंग करने का एडवांटेज मिलता है वहीं देखो बिनेदु हसरंगा पांच विकेट अभी तक निकाल चुके हैं दो ही मुकाबले खेल के ये एक लाजवाब स्पिनर है बेनी होवेल को पिछले मुकाबले में दो विकेट मिला था बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका भी था बाकी शेल्डन कोटरेल का भी लाजवाब परफॉर्मेंस था तीन विकेट इन्होंने निकाला था सिराज अहमद को एक विकेट मिला था गुस अटिंगसन को एक विकेट मिला था इनके टीम के तरफ से मतलब सारे ही मतलब बैलेंस टीम दिख रही है अब सारी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक देखो ओपनिंग डेथ बॉलर की बात की जाए तो ओपनिंग में शेल्डन क्वार्टल गूसा टिंगसन डेथ में टॉम करन शेल्डन क्वार्टल बेनी होवल का नाम मान के चल सकते हो बाकी टाइमल मिल्स और अली निसार यहाँ पे बेंच पे है अगर ये लोग आते हैं तो आप लोग देख लेना बॉलिंग इन्फॉर्मेशन देखो और जो चीज़ बताता हूँ प्लीज़ स्क्रीन लिया करो देखो यहाँ से बॉलिंग इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है अच्छी खासी ओवर कर सकते हैं तो हसरंगा का नाम मान लेना यहाँ से शेल्डन क्वार्टल गूसकटिंगसन बाकी आप लोग बेनी होवेल और यहाँ से टॉम कुरन और इन्हीं लोगों में से एक आध ओवर कटेगा तो आप लोगों को सिराज अहमद करते हुए दिख सकते हैं ठीक है बात करते हैं दूसरी जो कि गोल्फ की टीम रहने वाली इनकी टीम भी वेल बैलेंस्ड टीम है और दोनों एक कांटे का टक्कर आप लोगों को देखने को मिलेगा देखो इनके तरफ से ना जेम्स विंस पिछले तीन मुकाबले का आप इनका रिसेंट का स्कोर दे सकते हो मतलब जो हाल एलेक्स हेल्स कर रहे हैं सेम उसी प्रकार के खिलाड़ी जेम्स विंस भी हैं और दोनों मतलब इंग्लैंड से ही संबंध रखते हैं दोनों ही लाजवाब खिलाड़ी हैं इनका भी देखिएगा अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है ये भी मतलब ना एकदम मतलब डिफॉल्ट पिक है सोचना नहीं ये ग्राउंड लिंग में इनको ड्रॉप करके भले देख सकते हो रिहान अहमद बारह का स्कोर किए थे बॉलिंग से एक विकेट निकाले थे ये भी एक मस्ट पिक वाले खिलाड़ी रहने वाले हैं यहाँ तक कि ये सी सी के भी प्रमुख दावेदार रहने वाले अभी मैं बता दूंगा क्यों क्रिस लिन की वापसी हुई थी पच्चीस रनों का स्कोर इन्होंने किया था इससे पहले बिग बैस लीग में खेल रहे थे और बहुत अच्छे फॉर्म में भी थे बाकी ग्रेड इरासमस तीन रनों का स्कोर ये कर पाए थे उससे पहले बावन का भी स्कोर करके आ रहे हैं शिमर हेटमायर सैंतीस का स्कोर इन्होंने फाइनली किया अब देखो हेटमायर का एक तो बैटिंग करम बहुत नीचे है तो इनको गेंदे कम खेलने को मिलती है अगर खेले अच्छी बॉल तो ये आप लोगों को एक अच्छा खासा बहुत बड़ा अस्सी नब्बे का स्कोर नहीं करेंगे लेकिन आप लोगों को डिसेंट चालीस पचास तक तो करके दे ही सकते हैं वहीं डेविड विज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तीन विकेट इन्होंने निकाला था बाकी क्रिस जॉर्डन ने भी तीन विकेट निकाला था क्रिस जॉर्डन इस सीज़न दो बार ऐसा हुआ जब तीन तीन विकेट निकाले हैं लियाम डसन ने 18 का स्कोर किया था बॉलिंग नहीं किए थे वहीं पिछले मुकाबले में इनके तरफ से एक चेंज हुआ था चेंज ये हुआ था एन अफजल खान बाहर गए थे वैसे ओइली पॉप भी बाहर गए थे यहाँ पे ऑली पॉप की जगह पे लीन आए थे और अन अफजल खान की प्लेस पे अश्वनाथ वथप्पा आए थे जो कि एक विकेट कीपर खिलाड़ी हैं खैर बैटिंग नहीं आई थी उसके बाद देखो संचित शर्मा ने भी एक विकेट निकाला था अभी तक ये भी विकेट नहीं गए हैं तीन मुकाबले में पांच विकेट निकाल चुके हैं रिचिड गिलंसन ने चार विकेट निकाला था इनके तरफ से देखो ओपन डेथ बॉलर की बात की जाए तो ओपन में रिचर्ड गिलंसन संचित शर्मा डेथ में जॉर्डन गिलिंसन और डेविड विज को आप लोग मान के चल सकते हो बाकी बॉलर जो कि अच्छी

ठीक है ये मतलब अपडेट नहीं होता है ये जब तक टूर्नामेंट चलता है एक ही रिकॉर्ड रहता है बाकी आप लोग देख लेना यहाँ से रीड कर लेना क्योंकि न्यू टूर्नामेंट है तो और ज़्यादा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है नहीं तो यहाँ से ओवरऑल रिकॉर्ड ऐसे में बहुत काम आने वाला है जो कि हम लोग बहुत अच्छी इसी के बेस पर विनिंग भी करते हैं क्रिस लिन का बत्तीस के एवरेजे खेले थे सात हज़ार रन है दो मुकाबले में रिहान अहमद का देख लेना एज अ बॉलर रहते हैं लेकिन यहाँ पे ओपनिंग आ रहे हैं तो फिर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं बाकी और जितने भी खिलाड़ी हैं सबका लिखा हुआ बाकी हम लोग ड्रीम इलेवन पे चल के डिस्कस करते हैं देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता चलो कि यह मुकाबला बहुत रिस्की होने वाला है ठीक है तो आप लोग ऐसे में सोचना कि ग्रांड लीग खेलो ज्यादा बेस्ट रहने वाला है क्योंकि दोनों टीमों की तरफ से अच्छे खासे खिलाड़ी खेल रहे हैं बाकी लोगों के लिए नहीं मैं सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइब के लिए कहूंगा कि आप लोग इन्वेस्ट करो ऐसी बात नहीं है आप लोग बाकी टेलीग्राम पर रहना आफ्टर टॉस अगर कुछ चेंजेस वगैरह होता है तो मैं बता दूंगा और काफी हद तक यह मुकाबला टॉस पर भी डिपेंड करने वाला है फिलहाल के लिए देखो सैम्पलिंग्स को मैंने अपने टीम में ट्राई किया है बाकी ऑयली पॉप यहां से खेले नहीं थे अश्वनाथ का ऑप्शन एक बहुत नीचे खेलने वाले कोई सेंस बनता नहीं है बिलिंग्स ही बैटिंग में देखो एलेक्सू और को मैंने टीम में किया है। बैटिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी सरफेस है तो यहाँ पे यह बैट्समैन चारों ही जो कि हार्ड इटर बैट्समैन है आप लोगों को अच्छा खासा स्कोर करके दे सकते हैं इस वजह से मैंने चारों को यहाँ पे ट्राई किया है गोल्फ की तरफ से अगर टॉप टू आप ड्रॉप करना तो हेटमायर को जरूर ट्राई करके ऐसे में चल सकते सेम यहाँ से इरासमास के

वाले हैं मुनरू या लीन में से किसी एक को ड्रॉप करते हो तो आप यहां से चाहो ना तो बेनी होवल या फिर टॉम कुरन को अपने टीम में ले सकते हो अगर वी की टीम फर्स्ट बॉल करें क्योंकि दोनों डेथ में बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं बाकी रोहन मुस्तफ़ा ओपनिंग के साथ ये आप लोगों को एक ओवर कम से कम करके दे सकते हैं तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ओवर से विकेट निकाल देते हैं और बैटिंग से बीस पच्चीस कर सकते हैं तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हो थोड़ा सा डिफ्रेंसियल जाने के लिए बाकी ये लोग ग्रांड लीग में जरूर इन तीनों को आप लोग ट्राई करके चल सकते हो बेस्ट में रहने वाले हैं और देखो कोई यहाँ से ऑप्शन है ना लियाम डसन कभी कदार ही बॉलिंग मिलती है तो इस वजह से यहाँ पे बात करना खत्म है आइए बॉलिंग सेक्शन से क्रिस जॉर्डन कोटरेल रिहान अहमद ऑलराउंडर खिलाड़ी इनको टीम में रखूंगा बाकी रिचिड ग्लिनसन को मैंने टीम में ट्राई किया अब आप ग्लिनसन को भी ड्रॉप करके चाहो तो यहाँ से टॉम कुरन या बेनी होवेल को टीम में प्रेफर करके चल सकते हो बताता चलो मेरे भाई यह मुकाबला काफी हद तक टॉस पर डिपेंड करने वाला है देखो अगर वी की टीम फर्स्ट बॉल करेगी तो हो सकता है मैं यहां से अटिंगसन को ले लू जो कि डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं गोल्फ की टीम फर्स्ट बॉल करेगी तो रिचर्ड गिलिंसन और यहां से संचित शर्मा आप लोगों को डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं तो ये टोटली ना टॉस के ऊपर डिसीजन डिपेंड करने वाला है और मालूम है एक खिलाड़ी से जीत हार हो जाती है तो आप लोग आफ्टर टॉस टॉस मतलब आफ्टर आ, मतलब टॉस के टाइम टेलीग्राम पर बने रहना वहां पर मैं आप लोगों को समझा दूंगा कौन से खिलाड़ी को लेना है देखो बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कैप्टन मैंने रेहान अहमद को बनाया मात्र देखोगे

पॉइंट दे देते हैं तो अच्छी बात है आज के मुकाबले में थोड़ा सा मैं डिफ्रेंसियल करने का यहां पर ट्राई कर रहा हूं बाकी देख लेना कुछ इस प्रकार की टीम फिलहाल के, के रेडी हो रही है बाकी आफ्टर टॉस क्या कुछ कॉम्बिनेशन बनता है जो कि आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पर ही बताया जाएगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना बाकी क्रिक टू फाइव एट जीरो इतना भी लिख करके सर्च करके आ सकते हो सेकंड चैनल है तो ध्यान से आना बाकी आप लोग एक बार पिन मैसेज चेक जरूर करना है चार नवंबर छः जून का मैसेज होगा तो सही जगह पे आए हो बाकी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एक सौ दस लाइक क्या है मैं तो होप आप लोग करवा दोगे लाइक करवा देना भाई और छः हज़ार सब्सक्राइबर जल्दी से करवा देना बाकी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर